हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि के बारे में। 2022 में जितने भी प्रथम श्रेणी से बच्चे पास हुए हैं उनका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि उन बच्चों को मिलता है जो फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न से पास हुए हैं, उन्हीं को 10,000 का प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के ब्राउज़र में इस तरह से ई कल्याण टाइप करना है इस तरह से, और टाइप करने में सिंपली इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म हमारे खुल कर आ जाएगा। आ जाने के बाद सिंपली आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि, इस पर हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है इस तरह से खुल कर आ जाएगा। सबसे हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री बालक बालिका 10वीं पास यानी प्रोत्साहन योजना 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि अभी तक यहाँ पे जो 2022 के लिए अभी तक डेट अभी इशू नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया गया है। और बहुत सारे जो यूट्यूबर है वो अपने वीडियो में बना कर डाल रहे हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर है वो बता रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता दें कि अभी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिंक अभी नहीं चालू किया गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 21 के लिए आवेदन कर सकते हैं, 20 के लिए आवेदन कर सकते हैं, और 19 के लिए, 2019 के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी 22 के लिए कोई भी डेट यहाँ पे नहीं जारी किया गया है। जो यूट्यूबर है यहाँ पे बहुत सारे जो गलत इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि यहाँ पे जो ई कल्याण का वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे यानी सामाजिक कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग, बहुत सारे जो विभाग है यहीं से भी पैसा जाता है। तो इस तरह से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। तो अगर 2022 के लिए अभी आवेदन करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल में आपका जो आवेदन अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी डेट यहाँ पे कोई भी इशू नहीं किया गया है, लिंक यहाँ पे कोई भी नहीं जारी किया गया है। अगर 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, नया पेज खुल कर आएगा। तो आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी पर इस तरह से टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको क्या होगा, इस तरह से सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पर डाल देनी है, उसके बाद आपका नाम यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे हीड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीडिंग दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ पे टोटल नंबर यहाँ पे मैट्रिक में जितना भी नंबर है आपका यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 10th के अनुसार जो सर्टिफिकेट के अनुसार होता है यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी चुन लेनी है किस कैटेगरी से हैं आप। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न चुन लेना है फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि आप दो प्रकार के यहाँ पर मिलता है। अगर फर्स्ट किए हैं तो आपको मिल सकता है, और लड़की में कोई सेकंड किया है उनका मिल सकता है। और सेकंड यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपके यहाँ पे आधार के अनुसार नाम होता है आपका जो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर और आधार के अनुसार डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। तो सिंपली इस सब डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आधार वेरीफाई कर लेनी है। आधार वेरीफाई नंबर इस तरह से कर लेने के बाद सिंपली इस पर क्लिक कर जाए, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है इस पर डाल देनी है, और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे और OTP वेरीफाई कर लेंगे सेम टू सेम इस तरह से। ईमेल आईडी भी उसी तरह से कर लेनी है। कर लेने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको IFSC कोड यहाँ पे डाल देनी है बैंक का, और यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका जो बैंक का होता है यहाँ पे डाल देनी है। इस तरह से डालने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफर्म जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे डालकर, और यहाँ पे आपको कैप्चर दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर फिल कर देना है कैप्चर को, और यहाँ पे प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको पूरा जो जितना भरे हैं आपको पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट करके आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे आना है और आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड गिर जाएगा। तो सिंपली आपके यहाँ पे
लॉगिन पर डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करने के बाद जो लॉगिन है इस तरह से आना है आपको, यूजर आईडी यहाँ पर जैसे इस तरह से आपको डाल देनी है। डाल देने के बाद यहाँ पासवर्ड डाल देना है और कैप्चर इसमें जो है यहाँ पर फिल करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से और आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो यहाँ पर भर दे दीजिएगा और फाइनल यहाँ पर सबमिट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, घर बैठे आसान तरीके से यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। धन्यवाद फ्रेंड्स।